नमस्ते, मेरा नाम है हर्षदा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। एक अदना सा वायरस हमारे आसपास कुंडली जमा कर बैठा है, हमारे सपनों पर, उन सपनों की उड़ानों पर। इस दौर में ख्वाबों को मांझने वाले टॉप के संस्थानों को तलाशना नामुमकिन सा लगता है, मगर वो इंसान ही क्या जो नई राहें तैयार करना छोड़ दे। इंडिया टुडे ने छात्रों की राह आसान कर दी है। हम लेकर आए हैं देश की सबसे शानदार यूनिवर्सिटीज का सबसे भरोसेमंद सर्वे। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों, ऑफिशियल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्रों के अथक प्रयास से इंडिया टुडे की रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरे भारत के स्तर पर 22वां स्थान हासिल किया और हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ ने 10वां स्थान हासिल किया। इसके लिए इन सभी लोगों की मेहनत को बहुत बहुत साधुवाद है। उम्मीद है हम शताब्दी वर्ष में इस तरह से और ज्यादा प्रयास करते रहेंगे, जिससे विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। अगर लॉ में बनाना चाहते हैं अपना करियर और इरादा है न्याय को सबसे आगे रखने का, तो यकीन कीजिए ये जगह बहुत काम की है। भारत की सबसे बेहतरीन कानून की पाठशालाएं ये रही। सबसे पहले बात करेंगे 9वें नंबर पर मौजूद दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। विशाखापट्टनम की इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 145.3 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 122.4 नंबर मिले हैं। ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का स्कोर है 2000 में से 1090.6। 8वें नंबर पर है तमिलनाडु डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। चेन्नई की इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 113.5 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 120 नंबर मिले हैं। ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का स्कोर है 2000 में से 1118.1। 7वें नंबर पर है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब। पटियाला की इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 178.9 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 137.2 नंबर मिले हैं। ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का स्कोर है 2000 में से 1293.9। 6वीं रैंक है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा की। कटक की इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 192.8 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 133.9 नंबर मिले हैं। ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का स्कोर है 2000 में से 1412.2। 5वीं रैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज की। कोची के इस इंस्टीट्यूट ने एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 190.8 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 133.8 का स्कोर किया है। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 2000 में से 1431.9। 4थी रैंक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ की इस यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 193.2 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 138.1 का स्कोर किया है। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 2000 में से 1448.2। देश के बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। गांधीनगर की इस यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 206.6 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 135.3 का स्कोर किया है। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 2000 में से 1718.8। देश के बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल की। इस यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 223.3 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 134 का स्कोर किया है। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 2000 में से 1720.5। इंडिया टुडे के सर्वे में जिस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के इस संस्थान को एकेडमिक्स और रिसर्च में 250 में से 223.1 जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 150 में से 134.9 नंबर मिले हैं। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 2000 में से 1881। इस सर्वे के दौरान संस्थानों की इंटेक क्वालिटी और गवर्नेंस, एकेडमिक और रिसर्च क्वालिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, करियर संभावना और प्लेसमेंट जैसे स्टैंडर्ड्स पर परखा गया। सर्वे की पूरी लिस्ट आप इंडिया टुडे की वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
इसके अलावा देश के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज की पूरी लिस्ट आप इंडिया टुडे मैगजीन में भी देख सकते हैं। मैगजीन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।